दोस्तों सत श्री अकाल जी सारिआं नूं की हाल चाल ने स्वागत है तुहाडा अपने चैनल पंजाबी इन हंगरी ते ते अज आपां गल्लबात करनी है हंगरी बारे है ना भी हंगरी दे विच आपां फैमिली नूं कैसे बुला सकते हैं ते किन्ने टाइम बाद बुला सकते हैं ते की डाकूमेंट चाहिए ने हुंदे ने आपां नूं है ना ते उहदे बारे गल्लबात करांगे। पहलां सारे जणे अपना चैनल सबसक्राइब कर लो ते वीडियो लाइक शेयर ते कमेंट कर दिया करो है ना। ते चलो शुरू करदे आं वीडियो आजो। हाँ जी दोस्तों हंगरी बहुत ही घेंट कंट्री आ थानू पता ही है ना भी शैनगैन कंट्री आ एक तो मौसम भी इतने वधिया ही रहिंदा वा। वैसे तो दसंबर के नवंबर दसंबर के जाके ठंड हो जाती है जी मार्च अप्रैल तक तो पई जाती है ना। तो इतने की जो आप होर गलबात करिए जे तुम अपनी फैमिली बुलाने बच्चों बुलाने तो इतने पढ़ाई है जी फ्री है ना जे इतने स्कूल ने वो बिल्कुल फ्री आ पढ़ाई तो यानी तुसी जे बच्चे वगैरह पढ़ाने ने तो फ्री च पढ़ा सकते हो। देखो दोस्तों आइसक्रीम खाओ मैरिज हुई हुई सिर्फ तुसी अपनी वाइफ ते बच्चियां नूं बुला सकते हो ना फिर तुसी अपने माँ प्यो नूं नहीं बुला सकते जे तुहाडा ब्याह होया होया जे तुहाडी मैरिज नहीं हुई हुई फिर तुसी अपने माँ प्यो नूं जिहड़ा इत्थे हंगरी दे विच बुला सकते हो है ना। तो इहदे लई कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं 3 महीने जे तुहानूं आया नूं इत्थे हो गए ने हंगरी दे विच तां तुसी जिहड़ा वा इत्थे अपने फैमिली नूं चाहे माँ प्यो हो गए जां वाइफ हो गई बच्चे हो गए उन्हां नूं बुला सकते हो हंगरी दे विच ना। तो हुण जे आपां गल करिए भी डाकूमेंट भी की चाहिए आपां नूं बुलाउण लई हंगरी दे विच तां उह सब तों वड्डी गल है जी भी पहलां तां आपणे कोले फंड होने चाहिए है ना शो करन लई भी साडे कोले हाँ फैमिली नूं सांभण लई पैसे हैगे ने इधर भी जे आउंदे आ इधर तां असीं उहनां नूं खर्चा वगैरह साडे कोल हैगा वा उह हुण किन्ना क चाहिए आपां नूं जे आपां इंडियन रुपीज़ विच गल करिए आ पिछे कालजा देख लो इत्थे दा जे इंडियन पैसों दे विच गल करिए तां आपणे कोले ज़्यादा नहीं तो 5-6 लाख तो होना चाहिए जे तुहाडे दो बच्चे ने एक वाइफ है ना इन्ने के जानी इधरला ला लो भी तुसी 25-30 लाख रुपया फौरियंट इधरला होना चाहिए वा शो करन लई तुहाडे खाते दे विच है ना चाहे सैलरियां तो ला लो चाहे तुसी भी किसी तो फट के है ना शो कर दो खाते दे विच बस तुहाडे खाते दे विच होने चाहिए आ वो आपां बैंक स्टेटमेंट कढ़ाउणियां जां फिर उन्हां दा कढ़ा लो है ना बैंक वालियां तो सर्टिफिकेट ले लो बैलेंस सर्टिफिकेट मेन तो यह डाकूमेंट हो गया। तो एक आपां नूं चाहिदा हुंदा वा घर भी घर चाहे तो किराए ते लै लो लीज ते लै लो एक साल लई है ना जे मालक नहीं दिंदा तां किसे तों तुसीं किराए ते लै के उहदा डाकूमेंट बनवा के अपनी वाइफ दा उहदा नाम विच पवा लिओ जिहड़ा तुसीं कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उहदे वाइफ दा ना नाम विच पा के ते बच्चियां दा भी नाम विच पवा लिओ जिन्हों भी तुम सदना वा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उन्होंने नौ होने चाहिए ने है ना वो नौ पवा के उदू बाद दो डाकूमेंट ये हो गए जरूरी तो बाकी फिर माड़े मोटे होंगे ने है ना एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा जिमें तुम आए से भी जोड़ा अंबैसी आप शो कर दें वो डाकूमेंट भी लगेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट कह दें भी जोड़ा आप मालक ना करारनामा होया हों अपना वो लगता हों तो एक TRC की कापी होंगी अपनी ये जानी इन्ने के डाकूमेंट होंगे ने होर जी आप गल करिए जानी मेन डाकूमेंट ने अपने है ना जोड़े तेजे को चाहिए ने ते बाकी एक अपन स्पोंसरशिप लैटर भी भेजना पैंता इधरों जिमें हम मैं फैमिली सदरी हो मैनू एक स्पोंसरशिप लैटर नोटरी तो लिखवा पवेगा है ना
नोटरी तो ला लो भी जिवें अपने कचहरियां दे विच लिखाउने हुंने आपां ओह लिखवा के किसी भी इधरों वकील दे दफ्तर विचों लिखवा के तुसीं स्टैंप वगैरह लगवा के वह भेजना हुंदा उधर एक इंग्लिश लैंग्वेज ते एक उहदा ट्रांसलेट करा लवे हां वो करवा के उदों बाद तुसीं पेपर सारे डाकूमेंट रीजनल है ना उत्थे पोस्टा कर दो पोस्टा भी कर सकते हो तुसीं ते इह जानी मेन मेन डाकूमेंट ने बाकी कई पुछते होंगे भी फैमिली फिर इधर आके काम कर सकती है अपने वाइफा तुसी जे उधरों वीज़ा लग जाता फैमिली वीज़ा वैसे तो लग ही रहे फैमिली वीज़ा बहुत लग रहे हैं हुण क्योंकि हंगरी जी इकोनमी आ डाउन ही है ना डाउन चल रही आ तो काफ़ी हुण वीज़े दे रहे हैं क्यों इन्हों हों भी जोड़ा पैसे आप उधर भेजते हैं इंडिया भी होर जमा हो लग जूगा इन्हों ए हों तो बाकी है ना आप तो यही जानी मेन डाकूमेंट ने तो वाइफ का जो तुम इधर आके वर्क परमिट च भी चेंज करवा सकते हो जो वीज़ा लग्या हों इधर वकील करना पैंता किसी मालिक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लैके वीज़े कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क वीज़े बच्चे है ना तो जानी इन्ने इन्ने गए मेन डाकूमेंट ने जोड़े अपन लाने पैदे ने ते यदि अपॉइंटमेंट का भी कोई इन्ना चक्कर नहीं होंगे छेती मिल जाती है अपॉइंटमेंट भी तुम खुद भी चक सकते हो अंबैसी मेल करके ना तो जानी ठीक है जी ये मेन मेन डाकूमेंट ने तो तुम अपनी फैमिली को 3 महीने बाद हंगरी के बुला सकते हो चाहे बच्चों चाहे बाकी बच्चों की पढ़ाई पढ़ुई भी तो इधर फ्री होंगी आ बस रहन का ही खर्चा होंगे वा रहन का अज भी जे आप रेंट लाइए घर का तो तुम ला लो भी 50,000 फोरियंट के अपन घर मिल जाता वा जे आप पेंडू एरिए रहने महीने का 50,000 फोरियंट हों तो आप देना पैंता रेंट तो जे जे शहरी इलाके चो बुद्धा पेस्ट है जिमें तो फिर तो हमें थोड़ा जहा ज़्यादा रेंट देना पवेगा है ना तो इन्नी क जानकारी सी फैमिली वीज़े बारे तो तुम यानी बाकी गूगल तो भी जानकारी लै सकते हो भी कि डाकूमेंट होंगे वे सारा कुछ लिखा हों तो बाकी होर जे कोई तुहाडा सवाल हुंदा आपां नूं इंस्टाग्राम ते मैसेज कर लिया करो ठीक है जी बाकी सारे जणे चैनल सबसक्राइब कर लो धन्नवाद सारयां दा सत श्री अकाल सारयां नूं जी।